अब चलो रुको रुको ये कौन लेगा फिर? मतलब उसके पास एक रहेगा लेकिन बाकी सबके पास भी रहेगा। गुड गर्ल। अच्छा तुम्हें कितने चॉकलेट्स मिले आज? चॉकलेट देंगे, चाहे चॉकलेट देंगे जल्दी, सच्ची कुछ नहीं करेंगे। मार क्यों? ये मेरे दे, मारो जल्दी। गाड़ी खींच क्या करो मामी, ले लो कुछ और दिलवाना था, कुछ और दिलवाना था। अच्छा मुझे एक बार सुनना ही था, सुनो देखा हमें मारती है क्या? हमें मारना मारना इनको मारो, इनको मारो, एक और बड़ा चॉकलेट दूंगी, इनको मारो मारो मारोगे मारोगे? इतना बड़ा चॉकलेट रखा है अंदर फ्रिज में, मारोगे? अरे मारो अगर वहाँ नितेश मामा के पास चली गई तो जब वो ब्लू शर्ट वाले मामा है ना, ब्लू वाले सोफा में जो बैठे हैं, उनको जाके बोल क्या पहले, अब तुम्हें बोल क्या पहले वो ब्लू वाले मामा को बोल क्या, तब बच्चे को ब्लैकमेल किया। मम्मी नहीं तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा? अच्छा बंदा टाइम ओवर हो गया। मैं कैसे मार सकता हूँ बता दो। अच्छा मम्मी को मार सकती हो? हैं मम्मी को तो चट्टा चट्टा मार दिया। मम्मी को मार दोगी? इसकी चॉकलेट चाहिए। क्यूटनेस देखिए, क्यूटनेस देखिए, क्यूटनेस। नहीं दूंगी। एक चिड़चिड़ाती हुई लड़की, चॉकलेट के लिए तूफान खड़ी करती हुई लड़की, ये लो ये लो, ये नगेट को दे दो। कहेगी तीन चॉकलेट आपको मारे सब पीस दिए। अच्छा ये अभी मामी से छीन लो। मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा तीन चॉकलेट। मैं तो प्यार से मांगूंगा, तो प्यार से प्लीज मामी दे दीजिए, प्यार से मांग लो। अच्छा मम्मा को मारोगी? नहीं मामा को नहीं। मामा को मारोगी? मम्मा को मारने गई थी मारने, इसने बोला था मम्मा को मार दूं। कह रही मम्मा को मार दूं। मैंने कहा नहीं मम्मा नहीं, मामा को मार के नहीं, मम्मा को मार के आया थी। ठीक है मम्मा को मार दे। तावी आए राम, तावी वो उधर उधर, तावी गलत बात, तावी अब तो और गलत बात, गलत बात। मामी भाग, मामा जॉबी जनता जवाब चाहती है। अच्छा ठीक है मेरे को मत देना, लेकिन नगेट को दोगी ना? नगेट प्यारा है ना। अच्छा सुनो सुनो, यहाँ पे चॉकलेट दोगी किसी को, इनमें से किसी को चॉकलेट दोगी? दे दो मम्मा को। अच्छा चलो मेरी तरफ तुम ले लो। मम्मा को कितनी अच्छी बच्ची है, हमारी तो सुन ले लो। गुड गर्ल। थैंक यू बेबी। तभी तो गुड गर्ल। तीन ही तो चॉकलेट है, इसमें चार लोग बैठे के इसको देगी वो। ये मैं ले लूं? ले तभी सुन ले लो। अब मैं देखिए देती हूं। अब मेरे हाथ में रुक गया, मेरे हाथ में क्या आएगा? मम्मी ने तो दिया सबको, बाबू दोनों को दिया मुझे। अच्छा ये वाला दे दो। नहीं नहीं देखते तो दे ही देगी, इधर से उधर ट्रांसफर करेगी ना, अपना देना है ना। इधर दे दे, इधर दे अब मुझे, मुझे भी तो दो। ठीक है दे दो, मैं नया ला दूंगी तभी के लिए। ठीक है न्यू ला दूंगी, ये वाला दे दूंगी, ये दे दो मम्मी को, वो वाला दे दो बेचारी। अभी तक तो ये दोनों के सबको ट्रांसफर करी थी, उस पे अब दोनों को पकड़ा गया, अब मेरा हाथ खाली पे, अब कहाँ से देगी? दे दो मामी को, दे दो मामी, मुझे दे दो। मुझे दो, ये किसका है? देखा मैंने कहा इसको ये है कि ये, चलो ये मम्मा को दे दो। बचपन से एकदम तेज स्मगलर। अब चलो रुको रुको, फिर है ना फिर।
ये कौन लेगा फिर? मतलब उसके पास एक रहेगा लेकिन बाकी सबके पास भी रहेगा। गुड गर्ल। अच्छा तुम्हें कितने चॉकलेट्स मिले आज? कितने चॉकलेट्स मिले हैं? आधा तो इसने उसमें रखा हुआ अभी। ये तो अंदर से लाया हमने। हाँ नीचे पड़े अभी एक दो। अरे छोटी मामी को देखिए आप, उनका हिस्सा मुझे दे दो। छोटी मामी का हिस्सा दो मुझे, दो ना छोटी मामी। छोटी मामी बोला, छोटी मामी ले लो, ये मैं ले लेती हूँ। नहीं अच्छा ये इसे एक्सचेंज कर लेते हैं ना, फिर एक्सचेंज कर लेते हैं, मुझे दे दो। अच्छा तुम मेरे पास रह जाओ, मैं तुम्हें इतने सारे चॉकलेट दूंगी, ठीक है? ठीक है? अरे इतने सारे चॉकलेट्स मिलेंगे तुमको। टिकटॉक अंदर ही पड़ी भाई, पान मसाला जो चॉकलेट वो बहुत अच्छा था। तो अब तुमको डिजाइन दिमाग में नहीं आ रहा भाभी? कुछ भी ऐसे लिख दो ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में मेहंदी लग रही है आधी रात को। तो जी हाँ, मैंने मेहंदी तीज पे लगवाई थी और रक्षाबंधन पे नहीं लगवाई थी। तो यहाँ पे इसने बोला कि लाओ लगा देते हैं, आधी रात हो गई थी, तीन बज रहा था करीब। तो उसके बाद इसने मुझे मेहंदी लगाई और थोड़ा सा मेहंदी मैंने लगवाया था, उसके बाद नितिन ने लगवा लिया। इसीलिए तो सांप बना है वो। यार तो मेरी भी बहुत बेकार थी, राइटिंग बहुत अच्छी थी। एक तो है इसका नाम ही उल्टा सीधा है, तो खुद ही उल्टा सीधा है। खाना ये मम्मा पास है ना, ये देखो मम्मा लिए तो है, ये लो खाओ। तभी को क्या हुआ पहले ये बताओ। पसंद आया, मैं लड़की ब्रेड नहीं खाती है, क्रिस्पी हो गया भाई। कह रहा है मैं लड़की ब्रेड नहीं खाती है, लेमन से खा रही है। अच्छा अच्छा तभी को, तभी के हाथ में बताओ क्या हुआ। इन लोगों को बताना तभी के हाथ में क्या हो गया। ये लोग दिख रहे हैं सब मुझे, कौन दिख रहा है मुझे हाथ? वो नहीं खाती अभी ओट्स, पतंजलि ओट्स खाती है बट पतंजलि नहीं मिलता वहां पे कहीं, पतंजलि। अच्छा नानी को बताओ क्या हुआ, ओट्स नहीं मिलता पतंजलि। नानी को यहाँ बता दो क्या हुआ, हम लोग को काट देंगी नानी। नानी को नाना काट देंगे। वीडियो देखेंगे क्या? तुम लोग जब जाती है मेरे बच्चे तो लोग वहाँ पे चोट लगवा पता नहीं सर कौन सा श्राप हो रखा है, जाते जाते यहाँ पे आती है ना, जानते हैं ऐसा हो रखा है। इनका भी नया हो रखा है, जैसे कल एंटर किए ना फोन गिर गया नीचे बद्दे से, हमने कहा भैया कुछ तो गड़बड़ है। अब लास्ट टाइम भी सब कुछ सही रहा, सब कुछ एंड मोमेंट में इसको चोट लग गई। वहाँ टूटा यहाँ भी सब कुछ सही रहा, सब कुछ एंड मोमेंट में इसको चोट लग गई। एक अपना बैंड निकलना है वहाँ, बताओ इनको चोट लग गई। अब पिछली बार भी कहीं निकलना था, उस वक्त पिछली बार वहाँ जाना था गाजियाबाद, तब तो इनकी तबीयत खराब थोड़ी सी वैसी हो गई थी। उसमें बढ़िया होता है, क्या होता है लेकिन टाइम लग जाता है। शाम को आओगी तो मैक्रोनी खिलाऊंगी। कितनी सारी, बहुत सारी। अब अपने आप को बाद में देखेगी, कहेगी मैं ऐसी दिख रही थी, मैं इतनी सैड हूँ। ये अभी निधि की तरह से लग रही थोड़ी सी, मतलब ये कलर थोड़ा सा इसका फेयर है, लेकिन ये कि निधि जैसे हरकतें नहीं कर रही है। मुंह देखो तो निधि जैसे नहीं लग रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं राखी सेलिब्रेशन फिर से स्टार्ट हो गया है। तो इस बार भी दो रक्षाबंधन सेलिब्रेशन चल रहा था, एक दिन पहले भी हुआ था, नेक्स्ट डे भी हुआ था। तो जैसे कि मेरा भाई आने वाला था और वो कॉलेज में है तो उसकी पढ़ाई चल रही थी, तो जिस दिन मेन डे मतलब रक्षाबंधन सब ने सेलिब्रेट किया था उस दिन भी उसकी कॉलेज चल रही थी, तो इस वजह से उसको ऑफ नहीं मिली थी। नेक्स्ट हमने सोचा हम नेक्स्ट डे राखी बांध लेंगे, तो वही नेक्स्ट डे आया था राखी बंधवाने के लिए।
देख सकते हैं ये हमें मिला है Zepto की तरफ से गिफ्ट, और स्कैन करिए क्वालिटी वॉल्स पे 25% का डिस्काउंट हमें मिलेगा। और यहाँ पे हमें पता नहीं किस ओ वाह सच में अच्छा गिफ्ट मिला है। ये देखिए मैंने ऑर्डर किया, इतना ऑर्डर करते हैं इनको नहीं मिलता है, फ्री में मिला मुझे रक्षाबंधन पे, देख रही है ये देखिए सच में गिफ्ट मिला यार, मुझे लगा मजाक कर रहे हो कह रहे लेती हूँ कच्चा आम का पैकेट है, ऐसे ही अच्छा मिल गया। तो गाइज हमें ये गिफ्ट मिला है और कच्चे आम का पापड़ मिला है, कपड़े ये तुम 20 बार कपड़े निकलवा रहे चेंज के, ये थोड़ी महंगे चली जा रही। और यहाँ पे हम आ गए हैं, मैं और नेहा आ गए हैं। यहाँ पे नेहा के जो सूट लिया गया था, मतलब जो उनको गिफ्ट दिया था, तो उसका ऑल्ट्रेशन कराना, तो मैंने सोचा कि आप ये घर पे ले जाकर अगर ऑल्ट्रेशन कराएंगे तो फालतू में चार्ज भी देना पड़ेगा इनको, और यहाँ से लिया था तो इनको चार्ज फ्री हो जाता। तो मैंने बोला कि अगर आपको रुकना है, कल मॉर्निंग में जाना है, तो अभी चल लीजिए और साथ में आपको ऑल्ट्रेशन वगैरह करा देंगे, क्यों फालतू में किसी और को चार्ज देना। तो इसलिए मैं इनको यहाँ पर ले कर चली आई थी, क्योंकि मैंने यहीं पर करा लिया था और उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई थी, तो मैंने इनको ले कर मार्केट में आ गई थी। उसके बाद थोड़ी लोकल शॉपिंग, अब लेडीज़ जाएँ मार्केट में लोकल शॉपिंग ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा वो शॉपिंग भी करने लगे थे और शाम हो गई थी, 7 बज गए थे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हम क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे तो मैंने कल पहन के देखा था, ये कॉटन कॉटन 350 इधर 350 इधर 450 इधर यहाँ से यहाँ से फिक्स है क्या? ये सब रेयान पे हैं, इसको कितना उधर है 350 ये इस टाइप वाला, तो फिर भी थोड़ा कॉटन पे है, मेरे को साइज में नहीं आता, 350 अच्छा तो ये लग रहा है, बट ये बैग में आएंगे नहीं, हमें कमर पे नहीं आएगा मेरे को। इसमें देखिएगा खींच के खींचेगा हल्का सा, ये स्ट्रेस करेगा, ये पैसे भी दिक्कत, ये सब भी दिक्कत करेगा, ये होता है ना फ्री, हाँ ये सही सब आ जाएगा, पर वही दिखा रही वही कह रही ना, ये कलर अच्छा लग रहा था, सेम है तो अब तो देख लगा के कौन अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लगेगा, ये वाला ये वाला अच्छा, ये अच्छा लग रहा है, इसका ये भी ठीक लग रहा है ना, अपने अंदर से अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस टाइप का टॉप भी है, इस टाइप का भी टॉप देख सकते, टॉप नहीं है, टॉप ही। तो यहाँ पे ये थोड़ी वो शॉपिंग उन्होंने करी थी, स्टॉल वगैरह लिया था, बाकी ये मतलब घर में पहनने वाले कपड़े उन्होंने ले लिए थे जो कि कंफर्टेबल होते हैं। और उसके बाद मैं अपने इन लॉज़ के यहाँ चली गई, क्योंकि इन लॉज़ मेरे इनके ताईजी ताऊजी लगते हैं, तो वहाँ भी इनको मिलना था, तो वहाँ पर ले कर चली गई। और उसके बाद क्योंकि मतलब लड़के लोग तो ऐसे चले जाते हैं स्कूटी से, लेकिन ये नहीं जा पाई थी, तो मैंने कहा पहले इनको वहाँ पर मिला लाती हूँ, नहीं तो फिर कल टाइम नहीं मिला तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इनको लेके यहाँ पर चली गई थी, वहाँ पर मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि बैटरी बहुत ही लो थी, तो मैंने थोड़ा बहुत बस रिकॉर्ड किया है। और बस सीढ़ी भी यहाँ पहुँची हूँ, और यहाँ पे डॉग है, जैसे कि आपको पहले अगर पुराने वीडियोस देखे होंगे तो यहाँ पे है डॉग नगेट है, तो वो गोल्डन रिट्रीवर है, उससे मुझे थोड़ा सा डर लगता है। बोल रही थी क्या कह रही हो, क्या करने आ रही थी? हाँ कहाँ पे अलार्म करना है आपको? अकेले अलार्म करोगे मम्मा के साथ? मम्मा के साथ अकेले? आप थक गए हो क्या? क्या किया था आपने? भाई रॉकी भाई आज गुस्से में है, तो इसकी शैतानियाँ भी लगी हुई हैं। और कैसा लगा आप लोगों को आज की व्लॉग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्या अच्छा लगा। और हम दोनों काम में लग गए थे, मैं और तृप्ति काम में लग गए थे, तो हमने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं किया है, तो बस यहीं पे इस व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आप लोग को आज की व्लॉग अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।